हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली एक कुल्फ़ी की रेसिपी। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ज़रूर आप ही कहोगे कि हाँ, ये बाहर से भी बहुत ही अच्छी बनी है। तो बस सिंपल है बहुत ही। इसके लिए मैंने यहाँ पे दूध को गर्म करने रखा है। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध लिया है। उसमें मुझे ऐड करना है शुगर, तो यहाँ पे शुगर ले ली है मैंने हाफ़ कप से, थोड़ी सी, हाफ़ कप जितनी ही शुगर है। और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं इलायची के दाने, ताकि जब मैं शुगर क्रश करूँगी तो वो उसके साथ ही अच्छे से क्रश हो जाए। वैसे तो शुगर ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मुझे इलायची डालनी है तो मैं इसको क्रश कर लूँगी, ताकि इलायची जो है अच्छे से क्रश हो जाए। आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ऐसे ही शक्कर मिला दे तो भी चलेगा। इलायची डालने से ना अच्छा फ्लेवर भी आता है इसके अंदर, तो इसीलिए ये दोनों यहाँ पे क्रश कर लिया है। अब मैं इसको दूध में मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से हिलाना है। फिर इसके बाद इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना है मिल्क पाउडर लिया है। इसके अंदर मैं नॉर्मल जो दूध होता है उसको ऐड करूँगी, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। तो इसको ऐड करने के बाद इसका एक अच्छे से हिला के पेस्ट प्रिपेयर कर लूँगी। फिर मैं इसको जो दूध उबल रहा है इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें जो है अब लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर दूंगी, जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है मावा यानी खोया। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध में 200 ग्राम जितना ही खोया लिया है। अब इसको अच्छे से मैं हाथों से मैश कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे ही मिलता है ये। एक्चुअली ये प्रॉपर खोया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है। जैसे आपको पता है कि गुजरात तरफ पेड़े मिलते हैं ना मीठे वाले, ये मीठे वाला पेड़ा ही है, बस ऐसे मिलता है। तो मैं इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी। और ये मीठा है तो मैंने शुगर इसीलिए कम ऐड की है दूध में। अब मैं इसमें ये खोया है इसको मिक्स कर दूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूध को आपको इतना उबालना है कि दूध जो क्वांटिटी में हो उससे आधा दूध रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध को उबलने के लिए छोड़ दिया है। जब पहली बार उबाल आता है उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए उबलने के लिए और इसको हिलाते रहिए बीच बीच में। ये देखिए, मेरा दूध ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो साइड में जितना भी जो मलाई हो जाती है ना, उसको भी इसमें आप ऐड कर दीजिए अच्छे से, तो उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए, बस ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसका गैस ऑफ कर देती हूँ। और बस इसमें जो आखिरी काम बचा है वो यही है कि इसमें आपके पास अगर ब्लेंडर हो तो इसमें ब्लेंडर घुमाना है 1-2 मिनट के, एक या डेढ़ मिनट के लिए ही मिलाना है, मिक्स कर लेना है ब्लेंडर से। पर मेरा जो ब्लेंडर है अभी वो ख़राब हो गया है, और लॉकडाउन की वजह से कोई रिपेयरिंग वाला भी खुला नहीं है। तो मैं इसको 1-2 बार ऐसे कर लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। आपके पास है तो आप उसी का यूज़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद मैं इसको एकदम ही ठंडा होने दूंगी, क्योंकि एकदम ठंडा होगा फिर ही मैं इसको मोल्ड में डाल पाऊँगी। ठंडा होना देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, गर्म को मोल्ड में नहीं डाल सकते। तो बस ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पर फिर एक पानी का बाउल रख दिया है और उसमें इसको रख दिया है, ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये टोटली ठंडा हो चुका है। तो फाइनली मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम डाले हैं। अगर पिस्ता डालते तो और भी अच्छा टेस्ट आता, पर पिस्ता मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने वो ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ 4 मोल्ड है, तो मैं उसी को फटाफट से भर लूँगी।
और ये याद रखना है कि इसको आपको पूरी रात फ्रीज़र में रखना है, और आपका जो फ्रीज़र का टेम्परेचर होगा वो हाई पे रखना है, और बार बार आपको फ्रीज़र को खोल के नहीं देखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है इसका। ये याद रखना है कि जब भी आप ये कुल्फ़ी बनाते हो तब उसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, उसी के बाद आप इसको अनमोल्ड कीजिए, तभी ये अच्छे से जम पाएगी, अदरवाइज़ ये अच्छे से नहीं जमेगी। ये चारों मोल को फ्रीज़र में जाने देंगे और बाकी का जो बचा है मेरे पास वो इसको मैं एक स्टील के डब्बे में जो पैक हो जाए वैसा वाला पैक डब्बे में मैं इसको भर के फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर एल्युमिनियम का कोई डब्बा हो तो वो और भी अच्छा है, उसमें अच्छे से मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है, पर मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो हर बार जो बचता है वो फिर ऐसे ही कोई स्टील के बर्तन में उसको पैक करके रख देती। तो यहाँ पे बस खाना खा लिया था हम लोगों ने, अभी सोचा कि कुल्फ़ी बच्चों तो वैसे भी कब से खाना चाहते थे, तो निकालने के से पहले इसको हमने थोड़ा सा पानी में रखा है मोल्ड को, ताकि वो अच्छे से आराम से निकल के आए। तो यहाँ पे देखिए एक जो कुल्फ़ी है वो हमने निकाल ली है। एक्चुअली ना बर्फ़ी तो भाई सुबह से बहुत ही ज़्यादा कब से कह रहा था कि जल्दी कुल्फ़ी निकालो खा लेनी है। ये देखिए सबसे पहले वही टेस्ट करता है। अब सेकेंड भी निकाल ली थी लड्डू के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कौन खा रहे हो। कैसी है? अच्छी है मम्मी, लेकिन आपने ये वाला नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ तो चार आती है इसमें। बहुत अच्छी है लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा व्लॉग देख के, और ज़रूर ये ट्राई करना रेसिपी, मैं सही कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग ये खाओगे तो बाहर की भूल ही जाओगे बिल्कुल ही, और बिल्कुल ये आसान भी है। तो ज़रूर से ट्राई करना और शेयर करना कैसा लगा, कैसी बनी थी आप लोगों की भी कुल्फ़ी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।